नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज मैं आगे का जो पॉइंट है बेंजीन रिंग वाले केमिकल रिएक्शंस का, वो डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे ओवरऑल अपन ने बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है, एरोमेटिसिटी को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। कुछ रिएक्शंस और बच रही हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा, जो कि अपने आरपीएससी एग्जाम्स के लिए, भले आप लेबर सिस्टम की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए आपको क्या क्या मिलेगा इस चैनल के थ्रू। एक तो कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोज मिल रहे हैं दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियोज, और ये सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी बच्चे को चार्ज की जरूरत नहीं है। दूसरा सॉरी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। आप जितने भी पुराने पेपर्स हैं जो एग्जाम में आए हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर के साथ में जो टॉपिक में करवा रहा हूं, जो कंटेंट में करवा रहा हूं, उसको कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा हो, आपको जो टॉपिक चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, जो मैटर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी वीडियोस मिल रहे हैं या आपकी स्टडी कंप्लीट कवर हो रही है, तो आप जरूर इस चैनल को रेगुलर वॉच कीजिए। इस चैनल के थ्रू अपलोड किए जाने वाले वीडियोस को वॉच कीजिए दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है, उन सभी की आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको ज्वाइन करना अपना टेलीग्राम चैनल जो कि आपको मिलेगा मेरे एआर केमिस्ट्री धाम के नाम से ही अपना चैनल है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों आज कुछ ये। देखिए, अगर मैं एग्जाम की मैं बात करूँ दोस्तों, तो एग्जाम के पर्पज से फिडलक्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ ये क्लोरीनेशन इस बार आरपीएससी एग्जाम के लिए रहेगा, क्योंकि डार्क के अंदर क्या प्रोडक्ट मिलता है और एचन्यू के अंदर क्या प्रोडक्ट मिलता है जब क्लोरीन को अपन ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, एक्सेस मात्रा में ले लेते हैं, ये टॉपिक खास रहेगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नई जो रिएक्शन मिलेगी वो आपको गाटरमान रिएक्शन मिलेगी और एक बेंजीन का ऑक्सीडेशन। ये गाटरमान रिएक्शन मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 से लिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक बार क्लोरीनेशन की मैं फिडलक्राफ्ट रिएक्शन की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए, जो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन थी, एफसीआर रिएक्शन में दोस्तों अपन ने बात की थी एल्काइलेशन की, अपन ने बात की थी एसाइलेशन की, यानी एल्कीलीकरण की बात की थी, याद है आपको, एसिटिलीकरण की बात की थी। इसमें दोस्तों एल्काइल ग्रुप में ये पूछा जाता है, अच्छा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों एनहाइड्रस शुष्क AlCl3 यहाँ काम में लिया जा रहा है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और जो मैकेनिज्म है दोस्तों, जो क्रियाविधि के द्वारा जिससे संपन्न हो रही है ये रिएक्शन, वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मैकेनिज्म का नाम पूछते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। हर एक ऑर्गेनिक के अंदर एक ना एक केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जरूर पूछता है हर साल, आई मीन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं अपने आरपीएससी के या लेबर सिस्टम के, उनके अंदर। अब देखिए दोस्तों, एसाइलेशन में अपन यूज करते हैं एसिटाइल क्लोराइड, स्पेशली एसिटाइल क्लोराइड अपन यूज करेंगे, कई जगह एसिटिक एनहाइड्राइड भी मिलता होगा। उसमें आपको जो इलेक्ट्रोफाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाना है दोस्तों, वो बनाना है CH3CO+ यानी एसिटाइल कार्बोकेटाइन को बनाना है, और एल्काइल ग्रुप में R+ को बनाना है। यहाँ पर CH3Cl मिल सकता है आपको, जहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा, इथाइल क्लोराइड से इथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है अगर 1-chloroprolefin मिल रहा है, तो ये ध्यान रखें दोस्तों कि जो Cl बाहर निकलने से कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो यहाँ 1 डिग्री बन रहा है दोस्तों, कौन सा 1 डिग्री, तो यहाँ से ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा 2 डिग्री वाला, ये वाला, और ये फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर पूछी जा चुकी है ये। ठीक है, चलिए तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी थी अपने को। तो अगर मैं एल्काइलेशन करूं, जैसे बेंजीन ले लिया मैंने, और बेंजीन के रिएक्शन मैंने यहां ले लिया मैंने एनहाइड्रस
AlCl3 और मैं रिएक्शन करा रहा हूं RX के साथ में, तो यहां दोस्तों एल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। और अगर यही रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ में करा रहा हूं दोस्तों, तो ये मिल जाएगा अपने को एसिटोफिनोन। क्या मिल जाएगा? एसिटोफिनोन। अब देखिए, अगर आपको एक छोटी सी नई रिएक्शन ऐड कर दूं दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि जब क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में एसिटोफिनोन को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, ऑक्सीकृत करवाया जाता है, क्रोमिक एसिड H2CrO4 क्रोमिक एसिड की परिस्थिति में ऑक्सीकृत करवाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाता है बेंजोइक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है। अब ये आज वाली रिएक्शन दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए नया रहेगा, इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे मैं बात करता हूं FCR के बाद में क्लोरिनेशन की, क्लोरिनीकरण की। मैं दोस्तों इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक इस बार आरपीएससी के लिए खास हो सकते हैं दोस्तों। क्लोरिनीकरण दोस्तों मैं कुछ अलग तरीके से ले रहा हूं, हर एक को ले रहा हूं, जैसे AlCl3 के साथ में या FeCl3 के साथ में क्लोरिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल अपने को Cl प्लस मिलेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों, अच्छा दूसरी कंडीशन हो सकती है कि क्लोरिनेशन हो HNO की प्रेजेंस में, लेकिन यहां जो क्लोरीन है वो एक्सेस अमाउंट में हो। किस में हो? एक्सेस में, यानी ज्यादा मात्रा में हो। और एक क्लोरिनेशन में करवा रहा हूं दोस्तों AlCl3 की प्रेजेंस में होगा लेकिन डार्क में होगा, और यहां ये भी एक्सेस में लिया जाएगा, एक्सेस मात्रा में लिया जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मैं ये बेंजीन ले लूं, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से कंफ्यूज करने वाली रिएक्शन है, कंफ्यूज करते भी हैं बच्चों को ये पॉइंट्स इस तरह के। अगर यही रिएक्शन में क्लोनेशन कराऊं AlCl3 के साथ में या FeCl3 के पास में, तो ये दोस्तों मोनोक्लोरोबेंजीन देता है, यानी क्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं दोस्तों यही क्लोनेशन एक्सेस में लूं इसको और डार्क की प्रेजेंस में कराऊं, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होगा। और यहां ये हेक्साक्लोरो, लास्ट वाली वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था दोस्तों, हेक्साक्लोरो बेंजीन बनाता है। ये ध्यान रखना C6Cl6 बनाता है, C6Cl6। लेकिन अगर यही रिएक्शन क्लोरीन की प्रेजेंस में होती एक्सेस के अंदर और ये HNO की प्रेजेंस में होती सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां एडिशन रिएक्शन होती, योगात्मक अभिक्रिया होती। यही डिफरेंस अपने को याद रखना है दोस्तों इस बार एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो फटाफट चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए, जो प्रोडक्ट अपने पास बनेगा वो ये बनेगा। लाइक तो बनता है भाई, देखो एक हर एक बच्चा, अगर आप जितने बच्चे देख रहे हैं वो जरूर लाइक कीजिए, आपको ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल मिलेगा। देखिए यहां ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन गया। इसको शॉर्ट में दोस्तों BSC बोलते हैं, इसी को गैमेक्सेन भी बोलते हैं, इसी को लिंडेन भी बोलते हैं, इसी को 666 भी कहते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये थी जो पिछले वाली रिएक्शन थी उनके बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो नई रिएक्शन है उसके मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं गाटरमान रिएक्शन की, गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच अभिक्रिया, देखिएगा इसमें क्या होता है, आपको कार्बन मोनोक्साइड के साथ HCl मिलेगा दोस्तों, और ये AlCl3 की उपस्थिति में या कई जगह हो सकता है CuCl3 ले लें, सॉरी CuCl2 ले लें। स्पेशली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपन यूज करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां सबसे पहले जब ये रिएक्ट करेगा आपस में, तो दोस्तों ये बनाता है फॉर्माइल क्लोराइड, HCOCl बना लेता है, और ये AlCl3 की उपस्थिति में यहां AlCl4 बाहर निकल जाएगा और ये फॉर्माइल कार्बोकेटाइन बना लेगा, यानी HCO+ कार्बोकेटाइन, जो कि दोस्तों अपने लिए इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो बेंजीन है
वो इस फॉर्माइल क्लोराइड के साथ में ऐसे दे दिया जाए AlCl3 के साथ में, या दोस्तों आपको मिल जाए ये बेंजीन ले लिया मैंने और CO+HCl के साथ में AlCl3 मिल जाए। देखिए दोस्तों बुक्स में आपको इस तरह के भी मिल रही है, ये एनसीईआरटी बुक से डिट्टो मैंने उठा रखी है, क्योंकि अगर आपको बताओ तो दोस्तों 55 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो डिट्टो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो पूरे के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर है ही नहीं, पूरे के पूरे 40 के 40 या 45 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां ये जो प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा वो बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा दोस्तों? बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऐसी जो रिएक्शन है वो कहलाती है गाटरमान रिएक्शन। क्या कहलाएगी? गाटरमान रिएक्शन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक रिएक्शन और बच रही है दोस्तों, और वो बच रहा है ऑक्सीडेशन, बेंजीन का ऑक्सीकरण। ये लीजिए इसमें देखिए दोस्तों, बेंजीन का ऑक्सीकरण मैं कुछ इस तरह से तीन तरह से ले रहा हूं। एक जिसको मैं ये कह दूं अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, एयर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, तो ये CO2+H2O का निर्माण कर ले, यानी पूरा कंप्लीट कंबशन करवा दूं, दहन करवा दूं दोस्तों, कंबशन करवा दूं इसका, कंबशन मैंने करवा दिया। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में B2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराऊं, ये चीज ध्यान रखना यहाँ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम अगर इसको गर्म करता हूँ दोस्तों, तो ये अपने पास जो प्रोडक्ट देता है वो बनाता है फिनोल। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी को V2O5 की प्रेजेंस में कराता हूँ, V2O5 की प्रेजेंस में करा रहा हूँ, तो यहाँ ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको बनेगा मैलाइक एनहाइड्राइड देगा दोस्तों। क्या देगा? मैलाइक एनहाइड्राइड देगा दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, तो बात चल रही थी कि जब बेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर V2O5 की परिस्थिति में अगर गर्म किया जाता है दोस्तों तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यही V2O5 500 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन पे गर्म किया जाए, लगभग 400 हो सकता है दोस्तों, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो ये मैलाइक एनहाइड्राइड बनाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बात समझ में दोस्तों, आई होप ये बातें आपको सही अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। ये बेंजीन का जो पोर्शन है दोस्तों वो अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दोस्तों टोलुइन के बारे में, टोलुइन की पूरी डिटेल से, क्योंकि एल्काइल बेंजीन अपने सिलेबस में है दोस्तों। इसके बाद जैसे ही एल्काइल बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, मैं टॉपिक लूंगा नाइट्रो बेंजीन वाला, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पिछले कुछ लास्ट ईयर में जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है और लेबर सिस्टम वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें नाइट्रो बेंजीन के भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, डोंट वरी। इसमें से जो रिडक्शन है यानी उदासीन माध्यम में, और स्पेशली ये दो तीन जगह है जिसमें बेसिक मीडियम में रिएक्शंस करवाई जा रही है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, अमोनियम क्लोराइड के साथ में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, ये जो रिएक्शंस होंगी सोडियम आर्सेनेट के प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, तो ये अपने को देखनी है। यहां पर दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है रिएक्टिविटी का, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कि यहाँ रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसकी होती है और क्यों होती है। वैसे अगर आपने सोच लिया हो तो अच्छी बात है, मैं इसका आंसर अभी बता देता हूं दोस्तों। यहां ये कहा जाता है कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन पर जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगी दोस्तों, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी वो उतना ही मोर रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा। अब ये रिएक्टिविटी दोस्तों स्पेशली मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। और एक और चीज दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये एल्काइल बेंजीन टोलुइन तो बेंजीन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स एआरएसी यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो अगर मैं ये देखूं तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ या दो अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तों उस केस में रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसकी हो जाएगी इस टॉलोविन की हो जाएगी। क्लियर है। चलिए फटाफट लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जरूर दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आप जो भी कमेंट कर रहे हैं काफी एनर्जी मिलती है और रेगुलर वीडियो बनाने की मेरे को अपने आप ही एनर्जी मिलती जाती है। तो कमेंट करोगे तब मजा आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।